ये कौन जा रहा है इतनी बाहर रात को? कॉफी कौन जा रहा है बाहर? क्यों जा रहे हो बाहर? Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. और इससे पहले I know मैंने जो videos post किए थे that was not my usual content, but that is something that I do. मतलब as in you know जब मैं projects होते हैं तो I try to locals से जितनी knowledge मिल सके about the wildlife, about the nature there. तो project तो वो कुछ और था पर wildlife is wildlife. तो इसी वजह से आई थॉट आई वुड शो यू गाइज जो मैं वहाँ पर देख रहा था. बहुत सारे सपने मेरे सच भी हुए उसमें, स्पेशली व्हेन वी रिलीज्ड ऑलिव राइली सी टर्टल्स. वो इतने इतने से जो सी टर्टल्स होते हैं, मतलब एज इन दे वर दिस स्मॉल और दे वर गोना बी ह्यूज. और वो बचपन से एक सपना था क्योंकि डिस्कवरी पे हमेशा से देखता आया था वो. एनीवेज सो वी आर बैक. मैं वापस आ गया हूँ. अभी बजे हैं रात के 2 और मैं थोड़ी देर पहले शेल्टर से आया था. वी हैव अ शेल्टर नाउ. अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है, एज इन हम धीरे धीरे करके पॉन्ड्स और केजेस ला रहे हैं क्योंकि अपने ऊपर किसी और का ऐसे हाथ नहीं है. हमें खुद ही करना पड़ता है सब. सो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट. सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू रीच आउट और वॉन्ट टू सी इट वॉट इज ऑल हैपनिंग, मैं स्टोरीज पे बहुत ज़्यादा डालता हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम. यू गाइज कैन गो एंड फॉलो मी ऑन ऑन दैट. और हाँ, तो वापस आ गए हैं और आज हुआ है एक बहुत भयानक एक्सीडेंट. आई नो आई हैव बीन टॉकिंग मच क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था इससे पहले, बिलीव मी. आप लोगों ने मेरा एक्वेरियम देखा होगा, बहुत अच्छा इससे पहले. आई नो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. अगर आप उसे गंदा बोलोगे तो भी नहीं मानूंगा मैं, पर आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वट हैज हैपन टू इट. सो दिस वॉज माई लाइट. यस, वेरी वेरी नाइस लाइट. एंड दिस इज माई एक्वेरियम नाउ एवरीबडी. ये थोड़ा मेरी गलती की ही वजह से हुआ है. और मैं बताता हूँ क्या हुआ है मेरी गलती की वजह से. सी दिस, कैन यू सी? ये एक्वेरियम इससे पहले इतना सुंदर लगता था पर अब बिल्कुल इसको देखकर आंसू से ही आ गए. पर अब क्या करें. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और मैंने अभी आई एम जस्ट चेंजिंग एवरीथिंग. सारी फिशेज आर ओवर हियर, छोटे छोटे, और एक ट्रांसफरिंग टैंक है. मैं आई व्हाट हैपेंड वॉच. इसको रात दिन बस प्यार चाहिए क्योंकि ये अडॉप्शन के लिए पुट अप किया था किसी ने इसको. और शी इज़ मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल से ज़्यादा बड़ी है ये. तो इसको बस प्यार ही चाहिए होता है. ऐसे लगता है कि मैं कहीं चला जाऊँगा इसे छोड़कर, पर आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ये सिम्बा से दोस्तियाँ कर ले. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये वाला एक्वेरियम मेरे इगुआना का एक्वेरियम था. एज यू गाइज नो इगुआना मेरे पापा के पास है. वो मेरे पापा के साथ जो एल्बाइनो इगुआना है उसके साथ पल रही है. सो दैट्स हाउ आई हैव दिस एक्वेरियम नाउ. आई एम गोना यूटिलाइज इट एज ऑफ नाउ. शायद से मैं इगुआना के लिए दूसरा बना दूँ, आई डोंट नो. ऑब्वियसली अभी रात के 2 बजे हैं और मुझे सुबह बहुत जल्दी शेल्टर के लिए निकलना है. तो आई कांट रिस्क इट. वी हैव एनिमल्स टू टेक केयर ऑफ देयर. तो अब पूरा एक्वेरियम तो मैं सुंदर सा बना नहीं सकता. अभी बस मैं पानी भरूंगा इसमें, मैं अपने जितने भी फिशेज हैं ताकि वो एकदम कंफर्टेबल रहें. आई हैव मेड श्योर कि पानी चेंज अगर मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ना हो फिशेज को, जो कि नहीं होगा. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही पानी मैंने, मतलब मैं इसमें डालूंगा जो इसमें था. आई कुड सेव 2-3 बाल्टियाँ तो वही मैं इसमें डाल दूंगा अच्छे से मेहनत करके, और फिर देखते हैं क्या होता है. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये मछलियाँ मेरी सही रहें बिकॉज आई जस्ट लव देम एंड यू गाइज नो इट. आई नो इट. बीच में थोड़ी सी आई लॉस्ट सम फिश, थोड़ा सा हो गया था क्योंकि कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया था. जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ गई थी
तो हीटर ख़राब हो गया, हीटर वॉज़ नॉट वर्किंग, मतलब प्लग उसका शायद ख़राब हो गया था और इट वॉज़ नॉट वर्किंग, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया एंड माई प्लेको पास्ड अवे. और मेरी प्लेको जो कि जब डेथ हुई, आई डेंट डिस्क्लोज इट क्योंकि आई थॉट कि यू you नो know, कि मतलब क्या ही बताऊँ अब मैं, क्या ही बोलूँ. तो अब दिस इज़ द अपडेट. अभी थोड़ा सा आई हैव ग्रोन आउट ऑफ द फीलिंग, बट या आई डोंट फील लाइक कीपिंग अनदर प्लेको यार. बचपन से सपना था पालना, पाला उसको, शी कुडंट सर्वाइव, मतलब शी कुड हैव अगर मैं होता यहाँ पर. बट एंड देयर इज स्नोई स्लीपिंग, यस शी इज स्लीपिंग, शी इज़ वेरी हैप्पी. पूरा दिन शेल्टर में खेलती है बढ़िया डॉग्स के साथ और रात को ये सोते हैं. एंड देयर इज अलास्का. हाय अलास्का, हाय अलास्का. अभी पहली पहली हीट पर आई है और मैं इसके बारे में पूरे अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग सोचते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में और उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं. और जो इनकी साइकिल चलती है, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम एंड यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस और मैं क्या फेस कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग, तो उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे. तो अभी तो सबसे पहले इस एक्वेरियम को कंप्लीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि जल्दी करना है. और ये अभी भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है. कॉफ़ी, हाय. हाँ प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि ये एक्वेरियम बहुत सुंदर लगने वाला है, प्लीज़ डोंट. हाँ, मछलियाँ सुंदर लगेंगी पर ये एक्वेरियम अभी एकदम से नहीं, एकदम से सुंदर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा. क्योंकि थोड़ा अभी कल आके मैं, नहीं कल नहीं, परसों या तरसों आके आई एम गोना वर्क ऑन इट, क्योंकि वरना एकदम से ही काम करूँगा, कल भी इसमें लग जाऊँगा तो फिशेज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है. सो यू शुड नेवर डू दैट. सो यस, पानी रेडी है, फिशेज़ भी रेडी हैं. सो हेयर आर माई फिशेज और हेयर इज कॉफी. पता नहीं इसको कितना प्यार आ रहा है. कॉफी, ओए प्लांट्स हैं वो. अरे वो प्लांट्स है बेटा. अरे बेटा वो प्लांट्स हैं. हाँ सुन तो लो. अरे रुको रुको, मैंने प्लांट्स कवर करके रखे हैं और ये. हाँ वेरी गुड, सब गिरा दो सब. दीज आर माई कैमरा इक्विपमेंट्स. ओए कॉफी. अरे 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 अरे, दीज आर द प्लांट्स जो कि मैंने अभी निकाले हैं, एक छोटे कंटेनर में रखे हैं क्योंकि ये थोड़े प्लांट्स हैं. मैं काफ़ी सारे, वी आर बिल्डिंग वन पॉन्ड ना, मतलब एक तो क्या काफ़ी सारे करने हैं पर अभी एक में ही प्लांट्स लगाए हैं. सो दिस दिस गर्ल हियर इज वेरी नॉटी, शी जस्ट वॉन्ट्स टू लव. हमेशा बस इससे प्यार करवाते रहो और कुछ नहीं. चलो, वी विल नॉट कीप द फिशेज वेटिंग. तो अब मैं इस पूरे को ले जाकर वहाँ पर रखता हूँ उस एक्वेरियम के पास और फिर देखते हैं आगे.
here is the oxygen pump. ये मैं usually use नहीं करता अपने aquarium में क्योंकि इसमें filter से पानी ऊपर से गिरता था और बहुत सारे plants थे पर इसमें मुझे करना पड़ेगा because it is somewhat new पानी पानी में मैंने biodigest मिलाया है. Wait, I'll show you what biodigest is. This is biodigest. आई डोंट यूज इट बहुत ज़्यादा पर कभी कभार पुराना पानी होता है तो यू कैन यूज़ इट. ये मेरे लिए एक अंकल आए थे एंड ही इज़ अ ग्रेट हॉबीस्ट और दिस तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया है एंड दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. नो मार्केटिंग. तो दिस इज़ बायोडाइजेस्ट. ऐसे मिलते जुलते आपको काफ़ी और मिलेंगे. जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ एकदम नया पानी नहीं होना चाहिए कभी भी किसी फिश के लिए. दिस इज़ माई बिगेस्ट एंजल फिश. मतलब बिगेस्ट क्या, दिस इज माई ओनली एंजल फिश पर आई लव हर क्योंकि एक फीमेल है, इसने अंडे भी दिए थे. सो आई जस्ट लव हर और आई होप कि ये यहाँ पर सही रहेगी. पानी का वाटर साइकिल भी काफ़ी अच्छा हो गया है और चलो फाइनली समटाइम्स एमरजेंसी में आपका एक्वेरियम गंदा लग सकता है पर बस शर्त ये है कि मछलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस ये रहता है. बाकी तो यू कैन हैंडल इट योर सेल्फ. बाकी ठीक है, अभी और भी फिशेज डालनी है. आई वुड लव टू शो यू गाइज नाइस फिश. जब मैं छोटा था तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिश होती थी पर मैं बता दूं सबको कि ये थोड़ी सी अग्रेसिव होती हैं सारी नाइफ फिश. इसको हम फेदर टेल भी बोलते हैं और असली नाम है इसका ब्लैक गोस्ट नाइफ फिश. काफ़ी सुंदर होती है ये, इसलिए पीपल हैव देम. और अगर आप रख रहे हो तो प्लीज़ एक ही लेकर आना. मैं दो लेकर आ गया, वो मेल हैं दोनों और वो लड़ते रहते हैं. अब दे आर हाइडिंग फिशेज. छुपना ज़्यादा पसंद करती हैं. नॉक्टर्नल होती हैं, रात को ही जागेंगी. मतलब या फिर जब आप अंधेरा कर दोगे तभी खाएंगी. काफ़ियों की काफ़ी ट्रेन हो जाती हैं कि वो दिन में और उजाले में भी आके खाने लगती हैं. पर मेरे वाले एक्वेरियम में दोनों लड़ती तो रहती थी उजाले में खाना, पर नॉक्टर्नल तरीके से ही खाती हैं ये. खैर एनीवेज शायद से यू नो मेरे को एक और एक्वेरियम लगा के उसमें दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा. I'll have to do that anyway, so yeah. बहुत ध्यान से carefully पकड़ना होता है मछलियों को, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं. ये दूसरी feather tail है. And try not to touch the fish, क्योंकि हमारे हाथ में काफी सारे ना acids होते हैं जो कि इनको harm कर सकते हैं. Look who is here. अरे अरे अरे, अब वो वापस चले गए. ओहो, अब कॉफी ने उनको डरा दिया. वो है फ्लोरिडा, वो थोड़ी सी बाहर नज़ारे ले रही है. अच्छा वो इसको देख रही है. हाँ वो इसी को देख रही है. तो जो कल ज़रूरी काम है वो इन्हीं का काम है. इनका बहुत सुंदर सा इंक्लोजर वहाँ पे बनने वाला है. अच्छा मैंने हाथ दिखा दिया उसको तो उसको लगा कि मैं उसको बुला रहा हूँ पर वो अभी कॉफ़ी से डर रही है. कॉफ़ी बुलाई जा रही है मुझे कॉफ़ी. इनको स्नोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नोई और अलास्का से, तो ये उनसे निडर ही रहते हैं. चलो जल्दी जल्दी सारी फिशेस डालते हैं. कुछ टेट्राज ही रह गई हैं बस, और बहुत छोटी छोटी एंकर कैटफिश भी है इसमें. तीन वो यू कैन सी वो रही एंकर कैटफिश. इनको कभी नेट से मत पकड़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ. मतलब दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, पर कभी कभार नेट से ही पकड़ना पड़ता है. नो दूसरी भी उसके साइड में ही है. बहुत छोटी होती हैं ये एंड दे गेट स्टक इन द नेट्स. और क्या चाहते हो, क्या चाहते हो इतनी रात को? हाँ पता नहीं क्या सोच रहे हैं. चलो जाओ जाओ
चलो वापस अंदर, वापस अंदर, वेरी गुड। अच्छा फ्लोरिडा जाओ अंदर, जाओ अंदर। चलो जब उसको जाना होगा वो तब जाएगी। तो एवरीबॉडी, मेरी सारी फिशेज आ गई हैं अंदर, बस स्नेल्स नहीं डाले मैंने इसमें, वो अभी भी बाल्टी में हैं। पर दिस इज़ माई एंजल, और ये बहुत ही अच्छे से मस्त चिल करके तैर रही है, सो दैट्स अ गुड साइन। और यहाँ पर हियर इज फेदर टेल, और फेदर टेल थोड़ी सी शिकार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देर आर टेट्राज, अभी मैं थोड़ा टॉर्च मार रहा हूँ इन पे, तो इसलिए इनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, आई हैड टू मेक श्योर। ओए ओए, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये सब सही है या नहीं। दे आर स्कूलिंग ऑल राउंड, तो इट्स अ गुड थिंग। एक बीच में अल्बाइनो भी घूम रहा है बेचारा। सो एवरीबडी, टुडेज वर्क इज डन अभी के लिए। ऑल ऑफ आर एनिमल्स आर हैप्पी। इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी रंगीला, इफ यू वॉन्ट टू मीट हिम, तो आई विल सी। मैं उस पर भी काफ़ी सारे वीडियोज बनाऊंगा, क्योंकि स्नेक कीपिंग हॉबी और रेप्टाइल कीपिंग हॉबी इज गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया रिसेंटली। तो लोगों को पता नहीं होता कि कैसे उनको रखना है या क्या है, तो वो बेचारे पूछते रहते हैं। तो एक प्रॉपर एक बड़ा सा एक वीडियो बना के आई एम गोना इंक्लूड एवरी थिंग, आपको मज़ा आएगा देखने में। आई विल मेक श्योर कि आपको मज़ा आए, और दैट्स हाउ इट इज़। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं शेल्टर में, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सी इट। और एक दो अभी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं हमारे, रेस्क्यू स्टोरीज और रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट वाले भी स्टोरीज हैं, तो अभी मैं शेयर करूँगा। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर घर के आसपास कोई भी जानवर है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, अगर वो भूखा है तो थोड़ा खाना दीजिए, अगर उसको चोट लगी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट सम पीपल अराउंड यू, सम प्रोफेशनल्स अराउंड यू, एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।